हेलो एवरीवन, गुड डे टू ऑल। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारी पुरानी वीडियो में मैथमेटिक के रिलेटेड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी किया था, आई होप वो वीडियो ज़रूर आपके काम आई होगी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं कुछ सम्स की प्रॉब्लम्स पे। तो जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, और ए बी हमें 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर दी है। डिटर्मिन फर्स्ट साइन ए कॉज ए एंड सेकंड साइन सी कॉज सी। अब यहाँ पे उन्होंने एंगल बी पे आपकी ट्राइंगल में राइट एंगल दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी को पता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे हमें उसने बोला है बी पे आपका 90 डिग्री है, आप रेंडमली कहीं पे भी ए और सी आप डिजाइन कर सकते हो, रख सकते हो। मैंने ए इसी अपर को माना है, इस कॉर्नर को, और सी इसको मान लिया। और उसने बोला है कि जो ए बी है ये वाली जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो बी सी है वो आपकी 7 सेंटीमीटर है। हमारे पास जो रिमेनिंग साइड ए सी बची है वो हमारे पास अननोन है, तो हम सबसे पहले इसी को ही निकालेंगे। तो वो हमारे पास निकालने के लिए एक आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमें ऑलवेज पता हाइपोटेन्यूज होता है, इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर और बेस हो, फिलहाल हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास बनेगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, और ये 49, दोनों का सम करके हमारे पास 625 आ रहा है। तो H बन गया 625 का अंडर रूट, तो हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास AC आ जाती है 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स हमारी पता चल गई हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई है। तो अब हम चलेंगे इसके फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, साइन ए और कॉज ए फाइंड आउट करना। तो उसके लिए मैं फिर से एक स्मॉल ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ। मैंने ए इसको बोला था, सी और बी। अब मैंने बोला मैंने एंगल ए फाइंड आउट करना है। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होती है, रिमेंबर। एंड जब भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि जो एंगल हमने फाइंड आउट करना होता है उसके ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, और जो बच गई रिमेनिंग साइड इज बेस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो हमने निकालना है साइन ऑफ ए, तो क्या होता है वो आपका जो सोंग था उसको रिवाइज करते हो, हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ए बी कितना था हमारा 24, बी सी कितना था 7, और हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला 25। ये हमारी सारी वैल्यूज हैं, तो हम डायरेक्टली फिगर से परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेन्यूज 25 है, तो ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन ए क्या निकला, 7/25, ठीक है। और सेकेंड हमने निकालना था कॉज ऑफ ए। कॉज ऑफ ए क्या होता है, बी बाय एच, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारे पास 24, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 25। इस तरह से हमारे ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, वो हमारे पास है साइन सी। साइन सी अगेन फॉर्मूला रिवाइज करते हो, बेस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ही होता है, बट यहां पे हमारे पास एंगल उसने कौन सा बोला है, सी। हम फिर से फिगर बनाएंगे, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री, 90 के ऑपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है सी, तो सी के ऑपोजिट हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस। ए बी कितना दिया है 24, बी सी कितना दिया है 7, हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहेगा 25। अब हमारी साइड्स क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। तो हमारा ये साइन सी क्या बनेगा, अब परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेन्यूज 25। और अब हम निकालेंगे कॉज ऑफ सी। कॉज ऑफ सी अगेन फॉर्मूला सेम है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7 ओवर 25।
5। इस तरह से एंगल जब चेंज करते हैं, बेस और परपेंडिकुलर आपस में भी चेंज करते हैं। तो ये था मेन टारगेट एंगल के साथ अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटर्मिन दी वैल्यू ऑफ साइन ऑफ पी, कॉज ऑफ पी, टेन ऑफ पी। इसमें सबसे आपके लिए गुड थिंग ये है कि इसमें एक ही एंगल पे डिफाइन करना है, तो ट्राइंगल में जाके हमें घूमना नहीं पड़ेगा, एक ही ट्राइंगल से आपको सारा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्राइंगल है वो इस तरह से हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, और उसने क्या बोला है कि जो राइट एंगल है वो एंगल क्यू पे है, तो ये 90 डिग्री का एंगल क्यू, और पी और क्यू आप अपने यदि चाहो तो यहाँ से भी मैं शुरू कर सकती हूँ, बट आप हेड से भी शुरू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट ज़्यादातर देखने के लिए ये एंगल हम डिफाइन करते आ रहे हैं, तो मैं इसी को यहाँ पे बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें दिया हुआ है, और ये हमारे पास ऑलवेज हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। और अभी हमने जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उसने पी आर प्लस क्यू आर दो साइड्स का सम हमें 25 दिया हुआ है, ओके, एंड पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिए, इट मीन्स बेस जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है, दिस इज कंफर्म्ड, बट पी क्यू सॉरी पी आर प्लस क्यू आर का सम दिया, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का सम दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा। उससे पहले हमें इन दोनों में से किसी एक को इधर रखना पड़ेगा और दूसरे को दूसरी तरफ लेके एक की वैल्यू को दूसरे के डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो हम क्यू आर को इस तरफ रखते हैं, तो 25 पी आर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्यू आर डिपेंडिंग ऑन पी आर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। इस ट्राइंगल में लगाऊं तो बनेगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, इन दोनों वैल्यूज को। तो पी आर तो हमारे पास अननोन है, पी क्यू कितना दिया हो 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना दिया है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास अगेन ट्विस्ट है, यदि आपको याद हो तो यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, पहली बात तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पे 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर और 2 इंटू 25 इंटू पी आर, तो पी आर का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, के सेम टर्म्स जो होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं कैंसिल आउट, इस तरह से ये क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो बच्चा आएगा इसको मैं इधर ले आऊँ, तो 50 पी आर इज इक्वल टू इन दोनों का सम कर लो तो ये बन गया, तो पी आर आपकी पास क्या आ जाएगी डिवाइड बाय 50, तो जीरो से जीरो कट हो गया तो आपके पास आ गया 13 सेंटीमीटर। आप इसको कट कर सकते हो, 5 1 जा 5, बच गया रिमेनिंग 1, 5 3 जा 15, तो पी आर हमारा कितना निकला है 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमने कितना निकाला था 25 माइनस पी आर, तो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे तो 13, तो हमारे पास निकलेगा 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू हमें वेल नोन था 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास तीनों साइड्स निकल गए हैं, तो आप फिगर को रिमाइंड में रखते हुए 12 सेंटीमीटर और ये, तो हमारी फिगर कुछ इस तरह की थी, तो मैं एक बार फिर से आपको ड्रॉ कर देती हूँ। ये मैंने पी लिया था, ये क्यू था और ये आर, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल हमारे पास फाइंड आउट था, तो ये परपेंडिकुलर बेस। तो पी आर कितना निकला 13 सेंटीमीटर, बी कितना निकला आपका पी क्यू 5 सेंटीमीटर, और पी कितना निकला हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करना था साइन पी
कॉस पी एंड टैन पी। तो फॉर्मूला आप अच्छे से माइंड में रखो, सॉन्ग को आप अच्छे से। तो क्या था ये पी बाय एच, पी कितना है 12 और एच कितना है 13। कॉस पी क्या होता है बी बाय एच, तो बी कितना है 5 डिवाइड बाय 13। टैन पी वो कितना होता है पी बाय बी, तो वो कितना आ गया 12 बाय 5। तो ये आपकी हमारा ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट हो गई है। ये था हमारा आज के टॉपिक के रिलेटेड कुछ सम प्रॉब्लम्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंड इजीली। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इन केस आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप कमेंट एंड ईमेल कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल।